नमस्कार दोस्तों, और आज हम बात करने जा रहे हैं सी लैंग्वेज के बारे में। तो सी लैंग्वेज क्या है? सी एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दैट वाज डेवलप्ड बाय डेनिस रिचे इन 1973, और वो डेवलप हुई थी बेल्स लेबोरेटरी में। ठीक है जी। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कंप्यूटर लैंग्वेजेस टूडे, और पहले भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर रह चुकी है ये लैंग्वेज, और आज भी है। सबसे पहले जब सी बनी थी वो डेवलप हुई थी सिर्फ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। यूनिक एक ऑपरेटिंग सिस्टम था जो पूरा सी पे काम करता था। ठीक है जी। और इसका जो अभी लेटेस्ट वर्जन आ रही है वो है ISO/IEC 9899 ऑफ 2018, और वो लॉन्च हुई थी 5 जुलाई 2018 को, जिसको हम पॉपुलरली कहते हैं C17 और C18। सो अब हम बात कर लेते हैं फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज, कि सी लैंग्वेज के फीचर्स क्या क्या हैं। ठीक है जी। एक रॉबस्ट लैंग्वेज है। रॉबस्ट मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि इसमें एक रिच सेट ऑफ बिल्ट इन फंक्शंस है। बिल्ट इन फंक्शंस जैसे अब हमारे पास प्रिंट एफ है, स्कैन एफ, ये हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है। इसके लिए हमारे को कोड तो नहीं बनाना पड़ रहा ना, कि जैसे अब हमारे को कोड बनाना पड़ता है आउटपुट शो करने के लिए। इसमें हमारे को डायरेक्ट हम प्रिंट एफ लाइब्रेरी फंक्शन उठाएंगे जिसकी वजह से वो आउटपुट शो कर देगा। और मेन इंपॉर्टेंट है हमारा सी का कंपाइलर। सी का कंपाइलर क्या करता है? ये कैपेबिलिटीज़ ऑफ एन असेंबली लैंग्वेज को तो होता है, इसके कंपाइल करता है ये कैपेबिलिटीज़ ऑफ एन असेंबली लैंग्वेज विद द फीचर्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज के साथ। ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो प्रोग्राम्स हम सी में लिखते हैं वो फास्ट भी होते हैं और एफिशिएंट भी होते हैं। जो पहले बेसिक लैंग्वेज आई थी उससे तो काफ़ी टाइम्स फास्टर है। और एक और फीचर होता है इस सी प्रोग्राम का कि ये अबिलिटी होती है इसकी टू एक्सटेंड इट सेल्फ। ठीक है जी। सो अब हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ सी प्रोग्राम। किसी प्रोग्राम अगर हमने लिखना है तो उसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं? तो पार्ट्स एक होते हैं, सबसे स्टार्टिंग का पार्ट होता है, एक प्री प्रोसेसर होता है, एक हेडर फाइल होती है, एक फंक्शन होता है, हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, स्टेटमेंट्स होती हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं और कमेंट्स होते हैं। सो चलिए देखते हैं इनके बारे में। तो हमारे पास सबसे पहली चीज़ जो निकल के आती है वो है प्री प्रोसेसर। क्या होता है प्री प्रोसेसर? अब हम लिखते हैं स्टार्टिंग में, जब भी कोई सी प्रोग्राम लिखते हैं हम लिखते हैं हैशटैग इंक्लूड। इंक्लूड इस चीज़ को हम बोलते हैं सी प्री प्रोसेसर। तो ये क्या करता है? ये करता है हमारी जो पूरी इनिशियलाइज़ करता है ये इन्वायरमेंट को। और जो हम लिखते हैं ना .stdio.h, ये हेडर फाइल्स की एक्सटेंशन होती है। stdio और कोनियो जो मेन बेसिक हेडर फाइल्स इनको इंक्लूड करते हैं। stdio रेफ़र करती है हमारी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट को, वेरस जो हमारी कोनियो है वो रेफ़र करती है हमारी कंसोल इनपुट आउटपुट को। अब ये जैसे हमारे को stdio और कोनियो की ज़रूरत क्यों पड़ी? stdio की ज़रूरत हमारे को इसलिए पड़ती है, जैसे अब मैंने आपसे बताया किसी प्रोग्राम सी लैंग्वेज में लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं। लाइब्रेरी फंक्शंस बताया मैंने आपको प्रिंट एफ और स्कैन एफ। तो प्रिंट एफ और स्कैन एफ को यूज़ करने के लिए हम stdio की यूज़ करते हैं, stdio.h हेडर फाइल की एक्सटेंशन को हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेन फंक्शन, क्योंकि एक ही मेन फंक्शन होना चाहिए सी प्रोग्राम में जिसको सी कंपाइलर एज ट्रीट करेगा। एक मेन फंक्शन होता है, उसके अंदर बहुत सारे हम अपने फंक्शंस बना सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं कमेंट्स। कमेंट्स हम देते हैं क्यों? ताकि हम समझ सकें कि हमने किया क्या, या दूसरे को समझा सकें कि हम करना क्या चाहते थे। तो कमेंट्स भी बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं सी लैंग्वेज में या किसी भी लैंग्वेज में। एक होता है सिंगल लाइन कमेंट एंड नेक्स्ट वन इज़ द डबल लाइन कमेंट। ठीक है जी। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा, वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।